कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात की थी, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज की हमारी वीडियो उसके नेक्स्ट पार्ट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 2 सब सेक्शन एल में डिफाइन की गई है, जिसमें कहा गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो राइट और नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। यानी ये वो केसेस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर को ये राइट नहीं होता, अथॉरिटी नहीं होती कि वो एक्यूज को FIR लॉज होते ही, उसके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज होते ही, कंप्लेंट आते ही उसको अरेस्ट कर ले। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस नेचर के ऑफेंस नहीं होते हैं। यदि किसी एक्यूज के अगेंस्ट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई मामला दर्ज होता है तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसे हम चार्जशीट कहते हैं, वो कोर्ट में फाइल करती है। जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो उस मामले में सुनवाई शुरू होती है, उसका ट्रायल शुरू होता है, कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस लेता है और कोर्ट समन के थ्रू एक्यूज को कॉल अप करता है। यदि कोई एक्यूज कोर्ट के समन पर नहीं आता है तो उसके अगेंस्ट बेलेबल वारंट इशू होता है। यदि एक्यूज बेलेबल वारंट पर भी नहीं आता है तो उसके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू करता है। तो हम कुछ केसेस जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कैटेगरी में आते हैं, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के नेचर के हैं, उनके हम एग्जांपल्स बताते हैं आपको। फॉर्जरी, चीटिंग, डेफेमेशन, पब्लिक डिस्टर्बेंस, ये वो केसेस हैं जो सीरियस नेचर के नहीं होते हैं। यदि इन केसेस में यदि कोई व्यक्ति ऐसे मामलों में उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट थाने में जाती है तो ऐसे मामलों में पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।